जब राजा ईमानदार और ईमानदार राजा को हटाना है गद्दी से तो कैसे करा जाए, तो सारे चोर इकट्ठे होकर जोर लगाएंगे, लेकिन लगाया तो उत्तर प्रदेश में भी था ना, क्या हुआ? सारे चोर तो इनको ही सीख लेनी चाहिए, सारे चोर ही है सब। हाँ, चोर चोर मौसेरे भाई, सब चोर मिलकर जो है वो सोच रहे हैं कि मोदी जी को सत्ता से हटा दिया जाए किसी तरह से, और उत्तराखंड में दाबी जी को हटा दिया जाए, तो कुछ नहीं हो सकता। चोर इकट्ठे होंगे तो फिर तो ये बात समझने वाली बात है ना, क्यों चोर इकट्ठे हो रहे हैं कि मर्यादा के साथ कुछ शब्दों का इस्तेमाल करें। विपक्ष को चोर कहना, एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्या आपको ये सही लगता है जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया? ये क्या संसदीय शब्द है? सर, जो सच है वही कहूंगी मैं। सीमा जी, आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप प्लीज अपने शब्दों को वापस लीजिए, ये शब्द संसदीय भाषा में ठीक नहीं है। सत्ता का अहंकार झलक रहा है आपकी भाषा में। मैडम सीमा, मैडम आप ये कह रही है कि ये विपक्ष में बैठे हुए सभी चोर हैं, तो मुझे एक बात बताइए, 2002 से 2000 मैंने ये कतई नहीं कहा। एक मिनट, आपने मैंने ये कतई नहीं कहा कि विपक्ष में बैठे हुए चोर है। मैंने ये बात बोली कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो सरकार का साथ देना चाहिए अच्छे कामों में, तो क्या हर जगह गलत ही बोलना चाहिए? विपक्ष घर में बैठ जाए, आप ये चाह रही हैं? 2002 से 2007 और 2012 से लेकर 2017 तक कौन चोर था फिर आपका मतलब? अगर ये विपक्ष चोर है, 2002 से 2012 से 2017 तक कौन चोर था? हमने कभी भी किसी भी अच्छे मुद्दों पर आवाज ऐसे नहीं उठाई कि कोई भी सरकार अच्छा काम कर रही होती है हर जगह विरोध, नहीं हमने कभी नहीं किया। मैडम, अटल बिहारी जी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो एक सीट के लिए कह दिया था कि मुझे नई सरकार चाहिए। सॉरी, मैं चिमटे से भी ना उठा हुआ ऐसी सरकार को, हम तो ऐसे नेता के शागिर्द रहे हैं, उनके साथ काम किया हमने। सीमा मैडम प्लीज, आप अपने शब्द, ठीक है सर, आपको बुरा लगता है तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा गलत किया। अहंकार की भी कोई सीमा होती है, आपने सारी हदें पार कर दी, कभी आप भी विपक्ष में। अरे चोर था आपको, चाणक्य ने ये बात कही थी और तो मैंने उनके चाणक्य की बात ही कही। चाणक्य ने विपक्ष में नहीं, चाणक्य ये कहा था कि जब सब राजा ईमानदार होगा, अगर सारे जो हैं चोर इकट्ठे होकर राजा के पीछे पड़ जाएं, तो समझ लेना कि राजा ईमानदार है। ईमानदारी का सर्टिफिकेट बाय द वे किसने दिया? आप कह रहे ईमानदार, किसने दिया सर्टिफिकेट? जनता ने दिया, तो लोकायुक्त कहां है? अगर जनता, अगर इतने ईमानदार ने दिया, लोकायुक्त कहां है? लोकायुक्त ईमानदार हो आप? अगर लोकायुक्त सर जी, अगर जनता की मांग होगी तो कहां है लोकायुक्त? अगर आप ईमानदार हैं तो लोकायुक्त, अगर क्यों डरते हो लोकायुक्त से? अगर जनता ने हमको पूर्ण बहुमत दिया तो इसका मतलब ईमानदार है। अच्छा, जनता ने हम पे विश्वास किया, इसका मतलब ईमानदार है, चोर है बिल्कुल। अच्छा, किनको इनके ऊपर ट्रस्ट है? आज की डेट में कौन ट्रस्ट कर रहा है कांग्रेस के ऊपर? पक्ष में बिठाया तो चोर है, और जनता ने पक्ष में बिठाया, सत्ता पक्ष में बिठाया तो ईमानदार है। गजब थ्योरी आज लोकतंत्र की मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, गजब। ये चोर 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 शब्द का बार बार उन्होंने इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल निंदनीय है, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको सार्वजनिक रूप से इन शब्दों का इस्तेमाल किया, इनको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। मतलब विपक्ष का होना क्या चोर है? जब ऐसा तथ्य पेश करे, जहां चाणक्य ने यह कहा जब चोर इकट्ठे हो जाए तो राजा जो है ईमानदार होता है, तथ्यों के साथ पेश करिए, बताइए कहां लिखा है, कौन सा ज्ञान है? चाणक्य की नीति पढ़ लीजिए जहां आपके 47 विधायक हैं, ऐसी भाषा मैंने आपको चोर नहीं कहा, ना मैंने किसी को, आपके किसी नेता को चोर कहा।